भोपाल सेंट्रल जेल के गेट पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को लिंक रोड नंबर 2 पर रखकर जाम किया। जाम लगाए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। उन्होंने पुलिस को 2 और आरोपियों के नाम बताए और उन पर नामजद FIR की मांग की है। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बेखौफ बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते सेंट्रल जेल के बाहर एक युवक की हत्या कर दी। शनिवार दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को लिंक रोड नंबर 2 पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि मर्डर केस में तंजील और भूरा हड्डी को भी नामजद किया जाए। रात में पुलिस को ये नाम दिए गए थे। पुलिस ने देर रात 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। FIR में इन 2 आरोपियों के नाम शामिल नहीं है। जाम की सूचना पर ACP चंद्रशेखर पांडे मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। गांधीनगर TI सुनील मेहरा ने बताया कि पैरोल पर बाहर आए साथी को जेल छोड़ने आए युवक सुरेंद्र कुशवाहा की 4 आरोपियों ने हत्या कर दी। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी TT नगर क्षेत्र के पंचशील नगर के रहने वाले थे। पुलिस हत्या के बाद फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। 17 तारीख को शुक्रवार को शाम 6:30 बजे सुरेंद्र कुशवाहा और विकास वर्मा अपने एक साथी को पैरोल से वापसी में जेल दाखिल करने गए थे। तभी 4 नामजद आरोपी जिनमें संदेश नरवड़े, दीपांशु सेन, आकाश और छोटा फैजल ने घात लगा के इन पे हमला किया, जिसमें सुरेंद्र कुशवाहा की मृत्यु हो गई है और विकास वर्मा आहत है, जो आरोपियों की तलाश जारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।